नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था हिंदी व्याकरण का पार्ट 9 सर्वनाम। आज हम इसी की कॉपी पार्ट एंड बुक एक्सरसाइज को करने वाले हैं। कॉपी पार्ट में हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे, स्वरनाम की परिभाषा उदाहरण सहित हमें बतानी है। तो परिभाषा में हम लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह, इसका, इसकी, कौन, क्या, तो ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? अगले प्रश्न में हमें बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। प्रत्येक भेद का एक उदाहरण हमें देना है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम उदाहरण देंगे मैं और तुम। निश्चयवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम में हम उदाहरण देंगे यह, वह। अनिश्चयवाचक स्वरनाम, तो उसके उदाहरण देंगे किसी और कोई। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें जिसने, वह, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक स्वरनाम, कौन, किसे। निजवाचक स्वरनाम, स्वयं, अपने आप। ये हो गए हैं बच्चों हमारे भेद। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न वाक्यों में सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हमें क्या करना है? वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे मेरे को घर जल्दी जाना है, तो इसको हम सही करते हुए लिखेंगे मुझे घर जल्दी जाना है, पूर्ण विराम। अगला है, तेरे को प्रधानाचार्य ने बुलाया है, तो हम सही करके लिखेंगे तुम्हें प्रधानाचार्य ने बुलाया है। वह ने मेरी पुस्तक नहीं दी, तो हम सही करके लिखेंगे उसने मेरी पुस्तक नहीं दी। अगला है, हमको बाजार जाना है, तो इसको हम सही करके लिखेंगे हमें बाजार जाना है। ये बच्चों हो गया है हमारा कॉपी पार्ट। आगे करते हैं हम इसकी बुक एक्सरसाइज को। बुक एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों के रंगीन शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? हमें बताना है ये कौन सा भेद है। बच्चा स्वयं सीढ़ियां चढ़ गया, तो स्वयं शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? निजवाचक स्वरनाम में। जिसने बंदूक चलाई थी वह डाकू था, संबंध रख रहा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा ये? संबंधवाचक स्वरनाम। वहां कोई आया है, हमें नहीं पता, वहां कोई था तो हमें नहीं पता कि कौन था, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक स्वरनाम। आपने वह पुस्तक किसे दी, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमें करना है। मेरे को घर जल्दी जाना है, तो क्या हो जाएगा? मेरे को की जगह मुझे, मुझे घर जल्दी जाना है। तेरे को प्रधानाचार्य ने बुलाया है, तो तेरे को की जगह हो जाएगा तुम्हें, तुम्हें प्रधानाचार्य ने बुलाया है। वह ने मेरी पुस्तक नहीं दी, तो वह ने की जगह उसने मेरी पुस्तक नहीं दी। हमको बाजार जाना है, तो हमें बाजार जाना है। निम्न सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है हमें, तो हम का हम वाक्य बनाएंगे, हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। उसके, उसके पिताजी ने हमें बुलाया है। कौन, बाहर, कौन आया है? कोई, कोई से हम वाक्य बनाएंगे, मुझे कोई बाहर बुला रहा है। आगे हमें देनी है सर्वनाम की परिभाषा, तो हम परिभाषा में लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगला है, सर्वनाम के भेद बताने हमें, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। आगे है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में जो कथना हमें सही लगता है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे, और जो हमें गलत लगता है उसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। सभी सार्थक शब्दों के बदले प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। केवल जातिवाचक संज्ञा के बदले प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो ये परिभाषा भी गलत है, इसीलिए ये गलत है। नामों की पहचान करवाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो ये वाक्य भी क्या है? गलत है, तो हमने गलत का चिन्ह लगा दिया। अब हमारे पास सही परिभाषा आई है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम, सही विकल्प पर चयन कर उस पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। तो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो ये वाक्य कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 2, तो कितने होंगे? 6। किन दो सर्वनाम भेदों में आप शब्द का प्रयोग होता है? किसमें होता है? पुरुषवाचक और निजवाचक में आप शब्द का प्रयोग होता है। कोई शब्द संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है? कोई शब्द, कोई जो है
अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध रखता है, क्योंकि हमें उसमें निश्चित नहीं होता कि किसके बारे में बात की जा रही है। ये बच्चों हो गया है हमारा पार्ट सर्वनाम, उसकी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, अपने बुक एंड कॉपी में उसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।